नमस्ते ओम शांति। आपके 200 सॉरी 302 दिन की ईश्वरी वरदान में आपका स्वागत है। आज परमपिता परमात्मा कहते क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे कुछ ही क्षणों में। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि हम किसी से जब बात करते हैं या इस ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो बहस ना करें, डिस्कशन ना करें, और डिस्कशन अगर होता भी है तो आप डिस्टर्ब ना हों। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे अपने आप को रखना पड़ेगा, कैसे स्थिति बनाए रखनी पड़ेगी, उसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पर। अब कहते हैं याद के मंत्र द्वारा, परमात्मा की याद के मंत्र द्वारा अगर आप कर्म योगी हैं, किसी को किसी की सेवा करना, किसी को समझाना यह ज्ञान भी, किसी को गाइडेंस देना, किसी को सही कर्म क्या है, सही दिशा दिखाना, जैसे घर बार में भी होता है, कहीं भी हम करते हैं, अपने दोस्तों साथियों को बताते हैं, वो अगर हमारी बात नहीं मानते तो उस समय हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं याद के मंत्र द्वारा, मतलब तो क्या करना है, याद का मंत्र कि कौन है, किसकी नॉलेज है, मेरी तो नहीं ना, तो अहंकार क्यों आएगा। परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, किसी ने नहीं माना तो परमात्मा की बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं मानी, ये गलत हो जाता है, ये अहंकार आ जाता है। तो ये ज्ञान परमात्मा का है, हम तो सिर्फ मैसेंजर हैं, हमें मैसेज देना है, बीच के दलाल हैं हम, बाकी वो ले ना ले वो मेरा लॉस नहीं है। परमात्मा कहते हैं याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म के कर्म में, संकल्प मतलब थॉट्स और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। विस्तार में चलते हैं, आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, जैसे कि इस गवर्नमेंट के भी मैसेंजर होते हैं है ना, जो कि जाते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कभी बाहर गए, कभी टेलीकॉम मिनिस्टर बाहर गए, उद्योग मिनिस्टर कभी बाहर गए, और अपना मैसेज बाकी कंट्रीज में जाके फैलाते हैं कि ऐसा ऐसा प्लान हो रहा है भारत में। वैसे परमात्मा कहते हैं कि यहाँ पर भी आप क्या हो, गवर्नमेंट के, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। अब जैसे कि हम इस ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ लोग आके कोर्स करते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें, और वो बोलते हैं हम नहीं मानते इस बात को। परमात्मा कहते हैं ये तो नया ज्ञान है, नई दुनिया के लिए, कलयुगी दुनिया में कलयुग का जो ज्ञान चल रहा है, जो हम शास्त्र पढ़ते आ रहे हैं, जो वेद शास्त्र पढ़ते आ रहे हैं, वो पढ़ते 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 भी हम द्वापर युग से पढ़ते आते हैं और अब कलयुग में पहुंच गए। लेकिन वो शास्त्र पढ़ने से क्या आना चाहिए, नर्क बनना चाहिए कि स्वर्ग बनना चाहिए, आप खुद ही सोचिएगा। तो द्वापर से हम कलयुग में क्यों आए, है ना, अगर शास्त्र में इतनी ताकत है, ग्रंथों में इतनी ताकत है, तो फिर कलयुग में क्यों घुसे हम तो द्वापर से पढ़ते आ रहे हैं ना। अगर कुछ लोग कहते हैं हम सत्ययुग से हम पढ़ते आ रहे हैं, युगे युगे हम पढ़ते आ रहे हैं शास्त्र, तो युगे युगे कलयुग क्यों आ गया, सत्ययुग त्रेता द्वापर का कलयुग क्यों आ गया, शास्त्र पढ़ने से तो सत्ययुग बना रहना चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए उसके अंदर, सोचने की बात है कि नहीं है। तो फिर दुनिया गिर क्यों रही है, नर्क क्यों आ रहा है, कलयुग घोर क्यों होता जा रहा है, परेशानी क्यों बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्यता की कमी है। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम ये नया ज्ञान देते हो, सत्य ज्ञान देते हो, तो लोगों की आदतें होती हैं शास्त्रों के साथ में जुड़े रहने की, वो अपने माइंड को चेंज नहीं कर पाते हैं, उनकी बुद्धि में नए ज्ञान के लिए जगह नहीं होती, बिकॉज बुद्धि में पिछले कर्मों के पापों का बोझा है, इस कारण से मन और बुद्धि बंद हो जाता है इस नए ज्ञान को लेने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं, बात मानते नहीं आपकी बात, डिस्कशन में आते हैं आपके साथ में, अगर उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने आप को डिस्टर्ब मत करो इस चीज़ से, क्योंकि हर एक किसी का टाइम अपना अपना होता है इस ज्ञान को समझने का। तो बाबा कहते हैं याद का मंत्र यूज करना, उस समय क्या करना, आपको परमात्मा से जुड़े रहना है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको किसी को सिद्ध नहीं करके देना कि ये ज्ञान सही है कि नहीं है, क्योंकि जहाँ सत्यता है, जहाँ सच्चाई होती है, वहाँ पे शांति महसूस हो जाती है, और को जहाँ सत्यता होती है वहाँ पे प्रेम महसूस होता है, जहाँ सत्यता तो होती है तो वहाँ पर आत्माओं को खुद ही खुशी होती है सुन करके। तो अगर उस आत्मा का टाइम आया होगा, उसके अंदर सत्यता को ग्रहण करने की शक्ति होगी, उसने पाप कर्म ज़्यादा नहीं किए होंगे, तो फिर उसको जल्दी ग्रहण हो जाएगा यह ज्ञान। लेकिन अगर पाप कर्म का बोझा है तो समय लगता है बुद्धि का ताला खुलने में इस ज्ञान में, इसलिए क्या होते हैं आत्मा फिर वो भक्ति में चली जाती है वापस, नहीं वो भक्ति नहीं छोड़ पाती है, बिकॉज उनको डर लगता है कि अरे ये नया ज्ञान है, कि अगर इसमें झूठ हुआ तो मैं कहीं फंस ना जाऊँ, भक्ति से हट गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। परमात्मा तो कहते हैं भक्ति का फल है ज्ञान मिलना, भक्ति क्यों करें, हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु सत्यता की राह दिखाओ, हे प्रभु रोशनी दिखाओ। तो जब रोशनी दिखाने के लिए परमात्मा ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान देते हैं, क्योंकि आत्मा ही सत्य है ना, बाकी जिस्मानी ज्ञान तो असत्य है, आत्मा का जब ज्ञान देते हैं तो फिर हम हिल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं और आत्मा ये ज्ञान सुनती है तो हिल जाती है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्कशन में आकर के डिस्टर्ब नहीं होना है, याद का मंत्र यूज करना है आपको, जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं। अगर आप और को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, आप देखते हैं कोई पीड़ा में है, कोई गलत दिशा में जा रहा है, गलत कर्म कर रहा है, आप उसको इस ज्ञान के कुछ पॉइंट्स उनको समझाते हैं है ना, और वो क्या होते हैं, आप उनको बताते हैं वाणी से, शब्दों से, लेकिन वो वश नहीं होते हैं है ना। तो मंत्र जंत्र करते हैं और लोग क्या करते हैं,
वाणी से नहीं होते हैं, तो कुछ लोग जादू टोना करते हैं, परमात्मा बोलते हैं यहाँ तो जादू टोना करने की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे आप मेडिटेशन करो, उनके लिए शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, तो फिर क्या होता है, उनको भी थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते असर पड़ सकता है। 1 साल में पड़ जाए असर, 1 महीने में पड़ जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन असर पड़ता है आपकी शुभ भावना शुभकामना से। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र है, आप किस तरीके से देखेंगे, आपका भाई आत्मा है वो, जिसको आप ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने ये सोचा रहे मैंने तो मुसलमान को ये ज्ञान दे रहा है, मैंने तो हिंदू को ज्ञान दे, मैंने कृष्ण को ज्ञान दे रहा है, कृष्ण लोग तो है ही ऐसे, मुसलमान तो है ही ऐसे, उनको समझ नहीं आएगा, ये फिर आत्मिक दृष्टि नहीं हुई, ये होगी दैहिक दृष्टि। परमात्मा कहते हैं यहाँ पे आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, यहाँ पे आप पाप कर्म कर रहे हो। तो हमें आत्मिक दृष्टि से देखना है, ये नहीं कि किसी ने बात नहीं मानी हमारे तो हम अहंकार में आ गए, क्रोध में आ गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम किसी काम के नहीं, तुम्हारी बुद्धि बंद है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, ये गलत बातें होगी। जबकि हमें शुभ भावना शुभकामना देनी चाहिए, वो तब हो पाएगा जब हम आत्मिक दृष्टि से देख रहे होंगे उस आत्मा को, जिसको हम समझा रहे हैं शब्दों के द्वारा इस ज्ञान का। तो परमात्मा कहते हैं आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र है और मन मना भाव का मंत्र है, तो आप परमात्मा की याद में रहें, परमात्मा का कार्य है ना, परमात्मा का ज्ञान है कि हमारा ज्ञान है। जब कोई आपको कोई चीज देता है किसी को देने के लिए और वो बोलता नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप उनको वापस कर दो, तो आपके फीलिंग में आते हो क्या? आपने तो सिर्फ क्या किया, किसी ने आपको सामान दिया, बोला कि आप उनको दे दो, वो बोलते नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तो आप क्यों फीलिंग में आएंगे? आप तो बीच में क्या हो गए, मैसेंजर हो गए ना। तो परमात्मा कहते हैं आप तो मैसेंजर हो, आप क्यों फीलिंग में आते हो, आप क्यों लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हो अगर कोई ज्ञान को मानता नहीं है तो। परमात्मा कहते हैं इसलिए फीलिंग में नहीं आना है, बुद्धिवान प्रैक्टिकल होना है और परमात्मा की याद में रहना कि ये ज्ञान किसने दिया, परमात्मा ने दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, बच्चे ने एक्सेप्ट किया, उनके उनका बच्चा है ना वो, नहीं किया तो नहीं किया, किया तो किया है ना। तो उसमें अहंकार भी नहीं आना चाहिए, उसमें आपको सैड भी नहीं होना है, उदास भी नहीं होना, रहे क्यों नहीं माना ये बात, मैं उसके भले के लिए बोला था, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप कहते हैं जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो, क्या करके, मन मना पर, मेडिटेशन से क्या कर सकते हो आप, अगर आप शुभ भावना रखते हो, अगर वो शब्दों से नहीं मानते हैं, आप शुभ भावना रखते हो, शुभकामना रखते हो उनके प्रति कि इनका भला हो, उनकी इनकी बुद्धि को भी परमात्मा टच कर पाए, इनकी बुद्धि में भी परमात्मा का ज्ञान आए, शांति आए, सुख आए, अगर आपके शुभ भावना है और आप मेडिटेशन में हो तो उनको असर पड़ेगा इसका। तो आज का परमात्मा पिता का ये ज्ञान है, और ये क्या है ज्ञान जिसका हम बात कर रहे हैं, और सत्यता क्या है उसको सीखने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं स्वयं भी। ओम शांति, आपका दिन शुभ हो।